स्पाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ हम अपनी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम तीन पार्ट में यहाँ पे कवर करेंगे। ये मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने पार्ट वन। तो आइए, शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो हमारा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 52 से लेके 78 तक के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक के लिए पार्ट 5 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम आखिरकार ये यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है। तो देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कुछ लोग आते हैं, समझिएगा यहाँ से गौर से, एक आते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, चौथे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और आखिरी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो पांच लोग हैं ये मिला के यहाँ पे बनते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो कौन कौन हो गए यहाँ पे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन होते हैं, वो राष्ट्रपति हमारे जो हैं ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, याद रखिएगा, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। कि अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट इन इंडिया। ये पहले सिटीजन है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे सिंबल के तौर पे एक्ट करते हैं, जो कि हमारी यूनिटी, हमारा भाईचारा, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी सॉलिडारिटी दिखाती है नेशन की। तो ये हमने एक खूबसूरत बातें प्रेसिडेंट के बारे में जानी। आगे बढ़ेंगे और अब ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा हमेशा से, कोई आप प्रधानमंत्री के लिए तो भाई चले जाओगे, आप वोट दे दोगे अपने यहाँ के आसपास के लोगों को ना, सभासद को भी दे दोगे, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शन आपको देखते हुए नहीं मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इनको डायरेक्टली लोग नहीं इलेक्ट करते, बट इनको इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट करा जाता है। जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, उनके थ्रू करा जाता है इनको इलेक्ट। तो अब आप कहोगे कि मैम कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, समझिएगा, गौर से समझिएगा, ध्यान लगा के समझिएगा। पहले इलेक्टेड मेंबर्स जो कि दोनों ही हाउस के होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इन दोनों के ही जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, फिर समझिए, इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा के इसमें होते हैं। दूसरी बात, जो इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं स्टेट्स में, जो स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और तीसरी बात, जो इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज की होंगे, कौन सी, दो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपकी दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये तीन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं। इस वजह से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स बचे दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, इसमें इलेक्टेड ले लिए गए, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स बचे, या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स बचे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जहां पे इलेक्टेड लिए गए हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बचे, और साथ ही साथ मेंबर्स जो कि इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भी, है ना। अगर मान लीजिए कोई स्टेट के अंदर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसके इलेक्टेड भी और उसके नॉमिनेटेड भी मेंबर्स भी, और साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर्स, यहाँ इलेक्टेड वाले हो गए थे ना यूटीज के अंदर, तीसरे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आपकी दिल्ली की है और पुडुचेरी की है ना, तो ये सारे ही लोग जो होंगे, सारे नॉमिनेटेड वाले, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, है ना। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो जो आते हैं, मैंने आपको बता दिया, तीनों तरह के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। इतनी बात समझ में आई। जब असेंबली डिसॉल्व होगी तो मेंबर्स यहाँ पे ये सीज हो जाएंगे टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगर कोई फ्रेश इलेक्शन होता है ना, इवन इफ फ्रेश इलेक्शन टू द डिसॉल्व असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मान लीजिए असेंबली यहाँ पे, जहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा होता है कि असेंबली जहाँ पे खत्म है, डिसॉल्व है, तो मेंबर्स जो होंगे उस असेंबली के, वो यहाँ पे उन पर रोक लगा दी जाएगी, वो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी दी गई है कि मतलब हर एक स्टेट का बंदा यहाँ पे स्टेट्स का आए, पूरा यूनियन में देखे और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो इस बात को पाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं इलेक्शन में, जैसे कि एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा बच्चों। पहली बात ये कि
हर एक जो इलेक्टेड मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, समझिए इलेक्टेड मेंबर्स मैंने बात करा ना, इलेक्टोरल कॉलेज में तीन तरह के होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, तो जो हर एक इलेक्टेड मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट की, ये यहाँ पे इसके पास उतने ही वोट्स होंगे एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन द कोशेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अब देखिए समझिए कितने वोट होंगे, वैल्यू अगर एक वोट की माने, वोट अगर एमएलए के, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है एमएलए, अगर उसकी वोट की वैल्यू यहाँ पे माने तो कैसे निकालोगे आप, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी, अपॉन में रखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी ना बच्चों, उससे कितने इलेक्टेड मेंबर्स लिए गए हैं उनको उठाया जाएगा यहाँ पे, और मतलब अपॉन में उसको रखा जाएगा, और इनटू में कर देंगे 1/1000। समझ में आई बात? तो इससे यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी एमएलए के वोट की, है ना। तो समझ गए, ये तो बहुत ही कॉमन सा है कि भाई इसमें टोटल पॉपुलेशन स्टेट की उठाओ, उसको ऊपर रखो, अपॉन में रखो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आपने लिए हैं उनको रखो, और इनटू में कर दो 1/1000। तो यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी वोट की एमएलए के। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनके पास ऐसा नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, जैसा कि डिवाइड करके निकाला जाता है नंबर ऑफ वोट्स को। आइए इसका फॉर्मूला बताते हैं। तो अगर हमने एमएलए की वोट की वैल्यू बताई, अब हम एमपी के मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू बताते हैं। तो इसमें क्या रखा जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स, सारी स्टेट के जितने भी एमएलए हैं उन सबकी टोटल वैल्यू ऑफ वोट जो है उनको ऊपर रखा जाता है, अपॉन में रखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, और नीचे क्या रखते हैं, टोटल नंबर है इलेक्टेड मेंबर्स का पार्लियामेंट के, उनको रखते हैं। फिर समझिए यहाँ पे कि टोटल वैल्यू रखते हैं वोट्स की, सारे ही एमएलए के सारे स्टेट से जो भी वोट्स हैं उनकी वैल्यू रखी ऊपर, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं एमएलए जो होते हैं वो सारे ही स्टेट के जो एमएलए हैं उन सबकी टोटल वैल्यू जो है उनके सारे के वोट्स की उसको हमने ऊपर रखा, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज से। समझ में आ गई बात? अब देखिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसलेबल वोट, और वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से, है ना, कोई यहाँ पे ईवीएम का यूज नहीं होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझे कि मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा। सिस्टम में ये फायदा होता है कि एक सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होगा, जिसको जो हकदार होगा यहाँ पे, वो पूरी मेजोरिटी ऑफ वोट से जीतेगा। एक कैंडिडेट इसलिए अपना जो है, अगर उसे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना है तो इसके पास एक पर्टिकुलर फिक्स कोटा ऑफ वोट होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहां पे जो कोटा ऑफ वोट्स है इसे कौन डिटरमाइन करेगा, है ना, कि कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी एक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीतने के लिए, इसे कौन पता लगाएगा? तो इसे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो कि पोल होते हैं बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, यहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उसको प्लस वन एंड एडिंग वन टू द क्वेश्चन। आइए समझाते हैं आपको कुछ फॉर्मूले के थ्रू, आप ज्यादा आसानी से समझोगे। तो अब ये हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि क्या होता है इलेक्टोरल कोटा, कि मतलब कितना यहाँ पे वोट पाए तो एक बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ऐसा उसका कुछ फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड, जितने भी जो वैलिड वोट हैं जो पोल हुए हैं उनका टोटल नंबर ऊपर लिखना है आपको, नीचे क्या करना है, 1+1, मतलब 1+1 क्या हो गया, मतलब 2 हो गया, और यहाँ पे हमने इन पूरे में टोटल, मतलब यहाँ पे ये रखा हमने टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोस्ट, अपॉन में लिखा 1+1 मतलब 2, और यहाँ पे इससे प्लस कर दिया 1। तो जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्टोरल कोटा। तो हर एक मेंबर जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का होता है, इसको एक सिर्फ एक सिंगल जो है बैलेट पेपर दिया जाता है। जब अपना वोट वो दे रहा होता है तो वो प्रेफरेंसेस देगा, 1, 2, 3, 4 की प्रेफरेंसेस दी जाती हैं उनके हर कैंडिडेट के सामने। एक जैसे कि मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सामने यहाँ पे प्रेफरेंसेस लिख देगा कि पहले नंबर पे किसको चाहोगे आप, दूसरे पे किसको चाहोगे आप, तीसरे पे किसको, ऐसे 1, 2, 3, 4 जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कर दी जाएगी उनके नाम के सामने। इसका मतलब वोटर ये प्रेफरेंसेस दे सकता है, जितनी चाहे उतनी दे सकता है, कि मान लीजिए अगर ये नहीं बनते हैं तो हम दूसरे नंबर
पे इसको जाते हैं, ये नहीं बनते हैं तो तीसरे नंबर पे इसको जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब आईएएस यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है कि चलिए अगर सबसे पहले अगर आपको कौन सी चाहिए, अगर आईएएस पोस्ट चाहिए कि आईपीएस चाहिए कि आईएफएस चाहिए, है ना, तो प्रेफरेंस के हिसाब से भरते हैं ना। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं कि सबसे पहले, जैसे मान लो चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर लोगों ने किसको दी है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर लोग किसने किसको दी है, सपोज करिए कि आपका नाम यहाँ पे है और यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, है ना। एक एग्जांपल आपको देके बताती हूँ, 200 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से 100 लोगों ने जो है वो आपके नाम के आगे फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा है ना। तो अगर मान ली सबसे ज़्यादा ये हो गया तो यहाँ पे इलेक्टेड हो जाएंगे आप ही, अगर आपने उस कोटा को पूरा कर लिया, जो भी कोटा है, है ना, और उस कोटा के बराबर ही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी दी हुई है, तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। वरना ये होता रहता है, चेक करते रहते हैं, है ना, बैलेट्स के क्या करते हैं कि भाई फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं। जो बैलेट्स होते हैं कैंडिडेट के जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स होते हैं, इनको कैंसिल कर दिया जाता है, फिर सेकंड वाले को देखा जाता है, है ना। इस तरह से एक एक करके काउंट करके बंदा आखिरी में निकालते हैं। सारे ही डाउट वगैरह अगर कोई है या कोई डिस्प्यूट हो रहा है इलेक्शन को लेके प्रेसिडेंट के, तो ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसका डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है। ये बात समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट का पूरा हक होता है यहाँ पे ऐसे कोई भी डाउट या डिस्प्यूट को डिसाइड करने में। अब देखिए, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट पर्सन का, जो प्रेसिडेंट बनता है, आप इसे किसी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट था, मतलब यहाँ पे वैकेंसी थी या मेंबर्स नहीं थे इलेक्टोरल कॉलेज में। मैंने आपको बताया तीन लोग बना के जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो है तीन जगह के बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, तो आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट था या वैकेंसी थी वहाँ पे, ये था वो था, ये सब आप नहीं कर सकते हो। अगर इलेक्शन किसी इंसान का प्रेसिडेंट के तौर पे ये वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, खत्म कर दिया, समझ रहे हो, कि कह दिया कि नहीं ये इलेक्शन जो है वो जायज नहीं है, इसे खत्म कर दिया, तो जो भी काम उसने करे होंगे ऐसे डिक्लेरेशन के पहले सुप्रीम कोर्ट के, उस बंदे ने प्रेसिडेंट के तौर पे, ये इनवैलिड नहीं होंगे और ये काम चलते रहेंगे, फोर्स में रहेंगे, है ना, सोसाइटी में हमारे इनवैलिड नहीं होंगे। उसके बाद कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने इस सिस्टम को डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करा, कहा कि ये अनडेमोक्रेटिक है, इसमें तो आप लोगों का कोई रोल ही नहीं है, है ना। हालांकि भाई जब ये बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्यों चूज़ करा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे कुछ बातें सामने आती हैं। पहला आता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो कि प्रेसिडेंट का होता है, है ना, ये बहुत ही भाईचारा चलता है इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ में काफ़ी अच्छा है। इस सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट जो एक सिर्फ नॉमिनली एग्जीक्यूटिव तो है, जो सारी पावर है वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, तो क्यों हम इतना पैसा फूकें और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भयानक तरीके से कराएं। दूसरी बात, जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, ये यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हो जाएंगे, इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और किसी काम का भी नहीं होगा आखिरी में, है ना। तो मतलब रियल पावर्स भी उनके पास नहीं होती हैं, एक हेड है और हम इतना सब कुछ अपना टाइम वगैरह सब इसमें नहीं वेस्ट कर सकते। कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने सजेस्ट करा कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इनको इलेक्ट करा जाना चाहिए मेंबर्स के द्वारा, दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट के ही सिर्फ, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यहाँ पे क्या करा कि प्रेफर नहीं करा इसको पार्लियामेंट या सिस्टम को, क्योंकि फिर क्या होता कि ना जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर डोमिनेट हो रही थी, बस जो डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, सपोज करो इस समय बीजेपी है, तो फिर उठा के इन्हीं को ही जो है वो अपने ही कोई कैंडिडेट बना देती, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें कही गई और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के आप बात करिए क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ओथ क्या है, कंडीशंस क्या है अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो आइए यहाँ पे जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में, है ना, कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं किसी बंदे को अगर प्रेसिडेंट बनना है। तो अगर एक इंसान को प्रेसिडेंट बनना है तो आपको सबसे पहली बात है कि आपको सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, आप कम से कम 35 ईयर्स, कम से कम 35 साल की उम्र के तो हों। तीसरी बात, ये क्वालिफाइड हुए हों इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ना मतलब अगर आप मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए क्वालिफाइड हो कि आप इलेक्शन वहां पे लड़ सकते हैं, है ना, द कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन इन द लोकसभा। उसके बाद चौथी बात, कि इनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा काम ना कर रहे हो, पैसा वैसा ना कमा रहे हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ना कमा रहे हो, या कोई भी लोकल अथॉरिटी या कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर इनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो।
एक सिटिंग प्रेसिडेंट जो सीट पे है उस समय प्रेसिडेंट, या फिर वाइस प्रेसिडेंट यूनियन का जो है, गवर्नर जो कि किसी भी स्टेट का हो, या मिनिस्टर जो कि यूनियन का हो, या कोई भी स्टेट का मिनिस्टर हो, ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड इसलिए मतलब इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, है ना, समझे बात। मतलब एक सिटिंग प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट यूनियन का, एक गवर्नर स्टेट का, या एक मिनिस्टर यूनियन का, या किसी भी स्टेट का, ठीक है, ये यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता है, इसलिए ये सारे के सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर खड़े हो सकते हैं। आगे बताऊं तो जो नॉमिनेशन है कैंडिडेट का इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, इसे एटलीस्ट ये बात याद रखिएगा, एटलीस्ट 50 जो है वो आपका इलेक्टर्स जो है वो उसे प्रपोज करें, और 50 इलेक्टर्स यहाँ पे प्रपोजर्स होंगे, और 50 इलेक्टर्स यहाँ पे सेकेंडर्स होंगे। फिर समझिए, जो नॉमिनेशन है कैंडिडेट का इलेक्शन के लिए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, इसे सब्सक्राइब करा जाना चाहिए एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स को प्रपोजर के तौर पे, और 50 इलेक्टर्स को सेकेंडर्स के तौर पे, समझ रहे हैं। साथ ही साथ मतलब टोटल समझ लो 100 हो गए, 100 हो गए टोटल इलेक्टर्स, और जो हर एक कैंडिडेट है वो यहाँ पे सिक्योरिटी देगा 15,000 रुपए की। आपने सुना होगा ना, जमानत हो जाती, जमानत जब्त भी हो जाती जिनके जो है बढ़िया वोट नहीं मिलते हैं क्राइटेरिया के तक, है ना। तो यहाँ पे 15,000 रुपीज का डिपॉजिट यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाएगा, फॉरफिट भी हो सकता है अगर मान लीजिए कैंडिडेट 1/6 वोट नहीं पा पाया जो कि पोल हो रहे हैं। अब देखिए 1997 से पहले की बात है, जो प्रपोजर्स थे उस समय हुआ करते थे, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स सिर्फ 10-10 हुआ करते थे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2500 हुआ करता था, बट उसके बाद ये बढ़ाया गया और प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को 50-50 करके मतलब टोटल 100 इलेक्टर्स को करा गया, और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी बढ़ा के 15,000 कर लिया गया। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओथ क्या होती है, ठीक है, ओथ अफर्मेशन क्या लेते हैं, क्या है ओथ, क्या लेते हैं, क्या कसम खाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले प्रेसिडेंट कुछ ओथ करते हैं, कुछ ओथ लेते हैं या अफर्मेशन लेते हैं। तो पहला क्या है कि वो कहते हैं कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, मैं फेथफुली अपना काम, अपने जो है वो ड्यूटीज निभाऊंगा। दूसरी बात कहते हैं कि टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी लॉ, कि मतलब मैं प्रिजर्व करके रखूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा और मैं डिफेंड भी करूंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। और तीसरी बात कहते हैं कि मैं टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मैं अपने आप को पूरी तरह से अपने कार्यों के माध्यम से अपनी सर्विस जो है वो पीपल ऑफ इंडिया जो कि भारतीय नागरिक हैं उनको, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके वेलबींग के लिए अपनी सर्विस करूंगा। ओथ जो कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की है, इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की ओथ है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। अब मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो जब सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे इनकी ओथ दिलवाएंगे। कोई भी दूसरा इंसान जो कि प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है या अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है प्रेसिडेंट के तौर पे, वो भी इसी तरह की ओथ जरूर लेगा या फिर अफर्मेशन जरूर लेगा, ठीक है। अब तीसरा एक लास्ट इसमें पॉइंट देखेंगे तो कंडीशंस क्या होती हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की, तो ये जानते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ कंडीशन भी दी हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेके, जैसे कि पहली कंडीशन समझिएगा आप कि ये मेंबर ना हो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, है ना, या फिर किसी भी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बिल्कुल ना हो। अगर कोई ऐसा मेंबर प्रेसिडेंट बन जाता है जो कि मेंबर है किसी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का, तो उसे अपनी सीट को उस हाउस में छोड़ना पड़ेगा जिस दिन भी वो प्रेसिडेंट के तौर पे बनके अपना ऑफिस संभालेगा। दूसरी बात, ये कंडीशन है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड ना कर रहा हो। तीसरी बात, ये कंडीशन है कि ये ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज द टू द यूज ऑफ हिज ऑफिस रेजिडेंस द राष्ट्रपति भवन, मतलब यहाँ पे इनको फायदा ये मिलता है कि आपको कोई किराया, आपको कोई रेंट नहीं देना है, आप आराम से अपना जो ऑफिशियल रेजिडेंस है जहाँ पे आप रहेंगे राष्ट्रपति भवन में आप आराम से फ्री में रह सकते हैं। चौथी बात, इनको ऐसे एम्यूलमेंट दिए जाते हैं, अलाउंसेस दी जाती हैं, कुछ प्रिविलेज भी दिए जाते हैं जैसे कि पार्लियामेंट चाहे वो इनको प्रोवाइड कर सकता है। और पांचवी बात ये कि इनकी एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस आप कम नहीं कर सकते हो इनके ऑफिस ऑफ टर्म में, है ना, डिमिनिश नहीं कर सकते हो इनके पैसे को ऑफिस ऑफ टर्म में।
अब अभी रिसेंटली की बड़ी बड़ी बात थी और बहुत पॉपुलर रही भी कि 2018 की बात है, पार्लियामेंट ने सैलरी प्रेसिडेंट की 1.5 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया था। पहले तो जो है पेंशन रिटायर्ड प्रेसिडेंट की 3 लाख रुपए हुआ करती थी और अब इसको जो है वो मतलब प्रेसिडेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख पर एनम टू 50% ऑफ हिज सैलरी। मतलब अब समझ रहे हो कि अब इतना ज़्यादा पर एनम 3 लाख और कहाँ 2.5 लाख पर मंथ, है ना, तो कितना बढ़ा दिया ना। तो बहुत सारा इनको बताया, इनकी फैसिलिटीज़ वगैरह भी बढ़ा दी गई थी, एक फर्निश्ड रेजिडेंस मिलेगा, फ़ोन फैसिलिटी मिलेगी, कार, मेडिकल, ट्रैवल, है ना, एक 1 लाख पर एनम का तो एक्सपेंसेस ही इनको मिल जाया करेंगे। जो अगर मान लीजिए कोई स्पाउस है किसी डिसीज्ड प्रेसिडेंट का, मतलब किसी कोई प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई है या डेथ हो गई है, उनके जो पति पत्नी हैं, है ना, ये भी जो है यहाँ पे इनको फैमिली पेंशन मिलेगी 50% जो कि पेंशन का है रिटायर्ड प्रेसिडेंट की, वो भी यहाँ मिला करेगी, है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटी, स्टाफ वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 पर एनम तक का उनको भी मिलेगा। प्रेसिडेंट को यहाँ पे बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, इम्यूनिटीज मिलती हैं, इनको इम्यूनिटी मिलती है लीगल लाइबिलिटी से, जो भी वो अपना ऑफिशियल एक्ट करते हैं, जो भी अपना ऑफिस वाला काम करते हैं, यहाँ पे जो भी वो कर्म कर रहे हैं उनको यहाँ पे लीगल लाइबिलिटी उनकी जो है उससे इम्यूनिटी है, इनको आज़ादी है, वो कर सकते हैं कोई भी काम। और इनके ऑफिस के टाइम पे ये इम्यून है, कोई भी इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप नहीं कर सकते हो, अगर ये पर्सनल एक्ट्स करते हैं तब भी नहीं, पर्सनल एक्ट जो भी इन्होंने किया हो उसके खिलाफ भी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो जब तक के लिए ये अपने ऑफिस में है। इनको ना अरेस्ट करा जा सकता है, ना इनको जेल में जा सकता है। हालांकि इस मतलब इनको 2 महीने की नोटिस जरूर दी जा सकती है पहले से, अगर सिविल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ हो रही हैं इनके ऑफिस के टाइम पे, अगर इन्होंने कोई पर्सनल ऐसा एक्ट करा है। तो हमने यहाँ पे इतना बात करा, अब आराम आराम से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हम टर्म इम्पीचमेंट और वैकेंसी से यहाँ पे लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अपने चैनल सिर्फ आईएएस को सब्सक्राइब फेसबुक पे भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी इस वीडियो का आनंद उठाएं। साथ ही साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी चाहें आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए आपको क्या पर्क्स हैं, अच्छी लगे तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, प्लीज़ शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।